छः बाद अंपायर का इशारा, गेम वहीं रखी जाए और ऑस्ट्रेलिया के हक में फाउल की गई बर्मिंग में। जॉर्ज माइकल पॉल ग्रोडिंग बर्मिंगम ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी राइट हाफ की पोजीशन पर हैं। वुड पॉल लुइस मार्केगर डी के अंदर बैट पास दिया, ट्राई की थी और बहुत खूबसूरत पेश किया है। टी के बिल्कुल ऊपर डाल देना चाहते थे, खूबसूरत तरीके से गेम को रोका बर्मिंगम के पास गेम। राइट हाफ की पोजीशन पर हैं पॉल लुइस, कैरी ने पास दे दिया है गेम पर, लेफ्ट आउट के पास ब्रेक कर दे टी के अंदर हिट लगाना चाहते थे, कॉर्नर मिला है ऑस्ट्रेलिया ग्रेट कार्ड। डी के अंदर ट्राई करना चाहते थे, गेंद अभी तक डी के अंदर और ऑफ साइड करार दिए गए ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी। मार्केगर गोल के बिल्कुल करीब खड़े हुए थे, अंपायर बताकर के इशारा किया ऑफ साइड, ये देखिए स्लो मोशन में और ये यहां से इन्होंने ट्राई की थी और दूसरी जानब ये बिल्कुल पास खड़े हुए थे ऑफ साइड और गेंद इस दौरान में ऑस्ट्रेलिया के हाथ में। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया पूल ए में सबसे अहम मैच और जैसे फारूक मदर ने कहा कि जो भी टीम जीतेगी वो पहली पोजीशन हासिल करने में कामयाब होगी इस पूल में। मेरे ख्याल के मुताबिक जी हाँ, मैंने जो ख्याल ही बताया कि जैसा कि फारूक मजर ने कहा ताहिर जमान का स्कोर गेंदबाजी जॉर्ज माइकल के पास पास दे दिया है पॉल लुइस, पॉल जुनेट अच्छी टैक्ट डेविड स्टीफन डेविड का दाजना देने के लिए जॉर्ज माइकल गेंद कामरान अशरफ के पास, उनसे गेंद की टीम दिया है तुम वॉक में और पास दे दिया तमिल में। स्टीफन डेविस बैक पास दिया बर्मिंगम के पास गेम, पैरल पास पॉल गोरिंग के पास, एक काबेज के पास दे दिया है दरमियान में डेविड मॉन्सूर को, गेम छिन गई और अब तक से हुआ था इस जमान। मार्केगर ने जल्दी से पास दिया बर्मिंगम, गेंद हवा में चल गई थी डेंजरस हुई है पाकिस्तान के हाथ में, फ्री हिट मिली है कैरी एशले बैक पास बर्मिंगम से वापस कैरी कैरी हुआ पर जिन्हें सदी के बिल्कुल बाहर, कैरी छोटा सा पास दे दिया टी के अंदर और ऑब्स्ट्रक्शन हुआ दानिश करीम तक और एम्पायर का इशारा कि कैरी भी हुआ है, इसके नतीजे में पाकिस्तान के खिलाफ तीसरा पेनल्टी कॉर्नर ऑस्ट्रेलिया को मिला है 16 मिनट में पहले हाथ। तमाशाइयों में जो शुक्रोश, जब से ये टूर्नामेंट शुरू हुआ है सबसे ज्यादा तमाशाई आज स्टेडियम में मौजूद है। जॉर्ज माइकल हिट लगाने के लिए तैयार, गेंद रुकी इनडायरेक्ट करने की कोशिश की मगर अंपायर का इशारा कि गेंद सही तरीके से पास नहीं हो सकी थी फाउल। पाजा जुनेद अब सेक्शन लिया है स्टीफन डेविस का,
जाएंगे उस्मान और ताहिर जमान साथ उस्मान ताहिर पास गया ताहिर के एक और ये कैरेट हो गया शहबाज बी के अंदर फ्री हिट मिली है ऑस्ट्रेलिया Oh, 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 oh